यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया, अर्थात नापने वाला बांस। और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। अब यह हमें बहुत सी बातें बताता है। पहले कि मंदिर का पुनर्निर्माण होगा, क्योंकि यह भविष्य की घटना होगी। दरअसल ये एक घटना है जो महाक्लेश के मध्य होगी, क्योंकि अभी हम सातवीं तुरही तक तथा परमेश्वर के प्रकोप के साथ प्यालों तक नहीं आए हैं। तो महाक्लेश के समय यरूशलेम में मंदिर होगा और वो मंदिर बनेगा और वहाँ आराधना स्थापित की जाएगी। वर्तमान समय में वहाँ एक छोटा समर्पित यहूदियों का समूह है जो धार्मिक कट्टरपंथा की हद तक अपने मंदिर के निर्माण की लालसा रखते हैं। यरूशलेम में 2-3 संस्थाएं भी हैं जिन्होंने स्वयं को मंदिर के निर्माण के लिए समर्पित किया है। उनमें से कुछ इस हद तक सोचते व महसूस करते हैं कि उन्हें वहाँ मंदिर बनाना है। वे जो नरम विचारों के हैं, वे सोचते हैं कि उत्तरी भाग के क्षेत्र में मंदिर बनाया जाए। बहुत से ज्ञानी हैं, जैसे डॉक्टर अशेर कॉजमैन, टेम्पल माउंट का और समस्त पुराने लेखों का, उस क्षेत्र के समस्त चित्रों व वर्णनों का उन्होंने बहुत ध्यान से अध्ययन किया है और इससे निश्चय हुआ है कि मंदिर डोम ऑफ द रॉक मस्जिद के उत्तर में था। डोम ऑफ रॉक मस्जिद से 322 फुट उत्तर में, जहां एक छोटी समतल चट्टान जिसे डोम ऑफ स्पिरिट्स या डोम ऑफ टैबलेट्स कहते हैं, जहां सुलेमान के मंदिर का परम पवित्र स्थान था। यह सत्य है कि उसके मुख की ओर देखने पर जैतून पर्वत के पूर्वी फाटक से देख सकते हैं, जिससे यह मालूम होता है कि सुलेमान का मंदिर का स्थान वहीं था। इसलिए वह और दूसरे यहूदी ये विचार रखते हैं कि इस विश्वास के साथ कि वे वहां मंदिर का पुनर्निर्माण सुलेमान के मंदिर की भूमि पर करेंगे। मैं सोचता हूं डॉक्टर आशेर और उनका समूह सफल होगा, और जैसा यहां यूहन्ना को उठने को कहा गया कि परमेश्वर के मंदिर को वेदी और आराधकों को नापो और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। तो ये बाहरी आंगन जहां डोम ऑफ रॉक है उसको नहीं नापा जाएगा, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। यहेजकेल में एक और भविष्यवाणी है कि मंदिर बनाया जाएगा। यहेजकेल को भी उसे मापने को कहा गया था और यहेजकेल ने उसका नाप लिखा, परंतु यहेजकेल कहता है कि उसने उसके चारों ओर की दीवारों को मापा, जो दीवार पवित्र स्थान को अधर्म स्थान से अलग करेगा। तो मुझे निश्चय है कि मंदिर बनाया जाएगा, परंतु यह भी निश्चय है कि इसका समाधान वह दीवार है जो डोम ऑफ रॉक के उत्तर में है और टेम्पल माउंट को यानी कि पर्वत को 2 भागों में बांटेगी, और इस प्रकार यहूदियों को 10-15 एकड़ भूमि इस नए मंदिर के निर्माण के लिए मिल जाएगी। निश्चय ही इसको बनाया जाएगा। मैं सोचता हूँ यह उस समय होगा जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा। मेरा विश्वास है कि सारा प्रबंध मसीह विरोधी के द्वारा उस समय किया जाएगा जब कलीसिया हटा ली जाएगी, क्योंकि वह लोगों के साथ एक वाचा बांधेगा, परंतु 7 वर्ष के मध्य ही वो वाचा को तोड़ देगा। वो मंदिर में आकर परम पवित्र स्थान पर खड़ा होगा और स्वयं को ईश्वर घोषित करेगा और मांग करेगा कि उसे ईश्वर मानकर उसकी उपासना की जाए। तो मैं आशा नहीं करता कि मैं मंदिर को बनते देखूंगा। मैं सोचता हूँ ये तब बनेगा जब मैं कलीसिया के साथ यहाँ से चला जाऊंगा और जब मसीह विरोधी अधिकार लेगा। दरअसल अभी एक दल वहाँ विस्फोटकों के साथ पहुँचा था। वे उस मस्जिद को उड़ा देना चाहते थे। उनको इसराइली पुलिस ने पकड़ लिया और अभी भी उन पर मुकदमा चल रहा है। परमेश्वर के नियुक्त समय पर यह होगा, परंतु मेरे हिसाब से ये तब तक नहीं होगा जब तक हम चले न जाएंगे। वे मेरे जाने के बाद जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका समय होगा। प्रभु ने यूहन्ना से कहा, और मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वेदी जैतून के 2 वृक्ष और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। परमेश्वर 2 गवाह भेजेगा कि यहूदियों के बीच में गवाही दे। उस समय अन्य जातियों का समय पूरा हो गया होगा। अब परमेश्वर 7 वर्षीय एक युग के रूप में इसराइल में काम करें। इसराइल के लिए 7 साल रखे गए थे। यरूशलेम के पुनर्निर्माण की आज्ञा से लेकर यीशु मसीह तक 69 पूरे हो चुके हैं। ये 483 वर्ष हुए यरूशलेम के पुनर्निर्माण की आज्ञा देने से यीशु के आने तक। अब केवल इसराइल के लिए
एक सप्ताह बचा है जिसमें वह इसराइल में कार्य करेगा और इस 7 वर्षीय युग के आरंभ में परमेश्वर 2 गवाहों को भेजेगा जिनमें से एक एलिया होगा। पुराने नियम की अंतिम पुस्तक मलाकी के अंतिम अध्याय के अंतिम कुछ पदों में परमेश्वर इसराइल के लिए द्वार बंद करता है तथा अन्य जातियों के लिए द्वार खोलता है कि वह अन्य जातियों में पवित्र आत्मा भेजे ताकि उनमें मसीह की देह को निकाले। इसराइल के लिए परमेश्वर का अंतिम वचन यीशु के द्वारा आया। यहाँ पुराने नियम में लिखा है कि देखो एलिया भविष्यद्वक्ता को प्रभु के उस भयंकर व महान दिन आने से पहले भेजूंगा और वह पिता के हृदयों को पुत्र और पुत्र के हृदय को पिता की ओर फेरेगा, कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को शाप से मारूं। यहाँ एलिया के फिर आने की प्रतिज्ञा है। बेशक वो 2 गवाहों में से एक होगा। यह सत्य है कि वे स्वर्ग से शत्रुओं पर आग बरसाते हैं। आप याद कर सकते हैं कि जब एलिया पृथ्वी पर था और राजा ने 50 सैनिकों को उसे बंदी बनाने भेजा तब वो पहाड़ी पर बैठा था और अधिकारी ने कहा, हे परमेश्वर के जन नीचे उतरा, मैं तुझे बंदी बनाने आया हूँ। तो उसने कहा था, यदि मैं परमेश्वर का जन हूँ तो स्वर्ग से आग आए और तुझे और तेरे 50 लोगों को भस्म कर दे। और आग गिरी और 50 लोगों व अधिकारी को भस्म कर दिया। राजा ने ऐसे ही एक और दल भेजा उसे पकड़ने को और उसने भी कहा, परमेश्वर के पवित्र जन नीचे उतरा, मैं तुझे बंदी बनाने आया हूँ। और उसने कहा, यदि मैं परमेश्वर का जन हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे और तेरे 50 लोगों को भस्म कर दे। और आग ने गिरकर उन्हें भस्म कर दिया। राजा ने 50 और को भेजा और इस बार अधिकारी ने कहा, मैं एक विवाहित व्यक्ति हूँ, मेरी पत्नी व बच्चे हैं और वे मुझसे प्रेम करते हैं, मुझ पर दया कर, मैं तो केवल आज्ञा पालन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ चले, राजा तुझसे मिलना चाहता है। और एलिया उनके साथ गया। आग बरसाने की योग्यता एलिया का पुराना गुण था। जकरिया की पुस्तक के अनुसार वे 2 जैतून के वृक्ष और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी पर प्रभु के सामने हैं, जिसे जकरिया ने दर्शन में देखा था। जकरिया एक याजक था और याजक का काम होता था कि वह मंदिर के पवित्र स्थान के दीवट में तेल भरे। वहाँ वह 7 दियों वाली एक दीवट थी जिसको मूसा ने बनाया था और वे उसको दियों में प्रतिदिन तेल भरते थे, एक विशेष प्रकार का तेल जो इस दीप दान के लिए ही तैयार किया जाता था। उसे नियम के अनुसार ही तैयार किया जाता था जो परमेश्वर ने दिया था। और ये दीप सदैव जलता रहता था ताकि मंदिर में प्रकाश रहे। आग कभी बुझनी नहीं चाहिए थी। ये याजक का कार्य होता था कि वे दीवटों को तेल से भरे। जब एक काम को बार बार किया जाता है तो वो उबाऊ हो जाता है, जैसे कपड़े धोना या बर्तन धोना इत्यादि। और जकरिया के याजक होने के कारण उसे बार बार अंदर बाहर जाना होता था। ये तरीका सरल नहीं था। आप केवल तेल नहीं उंडेलते, उन्हें पारंपरिक ढंग से उंडेलना होता था। अंदर जाने से पहले नहाना होता था। शायद अब जकरिया ये करते करते थक गया था, तब उसे ये दर्शन मिला। दर्शन में उसे 2 जैतून के वृक्ष दिखे। ये जैतून के वृक्षों में से नालियां दियों में जा रही थी। उन नालियों के द्वारा जैतून का तेल सीधा वृक्षों से आ रहा था। अब जकरिया को यहाँ प्रतिदिन आना जाना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का वचन जरुबाबेल के लिए जकरिया के पास पहुँचा। जरुबाबेल के लिए ये वचन है, न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, प्रभु कहता है। तेल आत्मा का चिन्ह है और शक्ति वहाँ है, सामर्थ आत्मा में है और आत्मा का निरंतर मिलना वहाँ हमें प्राप्त होता है। यहाँ 2 जैतून के वृक्ष हैं। ये दीवट पृथ्वी पर प्रभु के सामने है। उनमें स्वर्ग को बंद करने की शक्ति थी ताकि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में वर्षा न हो। वर्षा 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर कहीं भी न होगी। कल्पना करें उस अकाल की जो उस समय पड़ेगा। अब एलिया को याद रखें, जब वो यहाँ पहले था उसने प्रार्थना की थी और 3.5 वर्ष तक वर्षा न हुई। इसराइल में आहाब राजा के राज्यकाल में बड़ा अकाल पड़ा। अब फिर पृथ्वी पर ऐसा होने जा रहा है। और 6 आयत में देखते हैं, उनके पास सामर्थ है कि जल को लहू में बदलते और पृथ्वी पर विपत्तियां जब चाहे लाए। एलिया की पहचान तो निश्चित है, दूसरे की निश्चित नहीं है। भिन्न बाइबल शिक्षक भिन्न विचार रखते हैं। कुछ का विचार है कि मूसा व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करेगा जबकि एलिया नबियों का। ये सत्य है कि मूसा एलिया के साथ रूपांतरण के पर्वत पर प्रकट हुआ था। लगता है कि काम करने में ये दोनों साथ हैं।
ये सत्य है कि मूसा द्वारा उन्होंने जल को लहू बना दिया तथा मिस्र पर विपत्तियां डाली गईं, और फिर बताया गया कि जब चाहे उन्हें पृथ्वी पर विपत्ति लाने की सामर्थ है, और ये मूसा की ओर इशारा करती है। दूसरों का विश्वास है कि हनोक जो मरा नहीं था परंतु स्वर्ग में उठा लिया गया था, क्योंकि मनुष्य के लिए एक बार मरना नियुक्त है, और पुराने नियम के अनुसार ये दोनों इस नियुक्ति से छूट चुके हैं। वे तब पृथ्वी पर आएंगे ताकि उनकी मृत्यु का कार्य पूरा हो, क्योंकि हमें बताया गया है कि अपने 3.5 वर्ष के भविष्यवाणी के बाद पशु अर्थात मसीह विरोधी उनको मरवा देगा, वे अपनी मृत्यु के कार्य को पूरा करेंगे। इस प्रकार हनोक व मूसा दोनों के लिए कई तर्क पाए जाते हैं। 7वीं आयत में, और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। वो ऐसा नहीं कर सकता जब तक उनकी गवाही पूरी न हो जाए। उनके पास एक नियुक्त समय होगा, 1260 दिन, गवाहों का नियुक्त समय। एक बार वो पूरा हो जाए तो शैतान उन्हें मरवा सकता है, परंतु तब तक नहीं। परमेश्वर को हमारे जीवनों पर अधिकार है। इस पृथ्वी पर करने के लिए हमारे पास विशेष कार्य होता है, और उस कार्य के पूरा होने तक वह हमें संभालता है। कई अवसर आते हैं जब व्यक्ति मृत्यु से बाल बाल बच जाता है, जबकि आपको उस दुर्घटना में समाप्त हो जाना चाहिए था। बचने की कोई संभावना नहीं थी, परंतु फिर भी आप बच गए, क्योंकि परमेश्वर का कार्य अभी आपके द्वारा पूरा नहीं हुआ है। और मेरा विश्वास है कि यह सत्य है। मेरा विश्वास है कि जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम पर ईश्वरीय सुरक्षा होती है, और जब तक वह परमेश्वर की योजना के अनुसार पूरी न हो जाए, वह हमें बचाता है। मैं सोचता हूँ कि जैसे ही हमारी गवाही पूरी होती है, प्रभु अपने पास हमें बुला लेता है। वह फिर हमें यहाँ और अधिक क्यों छोड़ेगा? जब उनकी साक्ष्य पूरी हो जाएगी, वे भी परमेश्वर के पास चले जाएंगे। परमेश्वर की हम सब के लिए एक योजना है। फिलिपियों को लिखे हुए पत्र के अंदर पौलुस ने कहा, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा। जब यीशु ने उसे पकड़ा है तो ये उसके लिए विशेष सेवकाई थी। दरअसल प्रभु ने पौलुस को वे बातें दिखाई जिन्हें उसे पूरा करना था। कई बार पौलुस की हत्या करने का प्रयत्न किया गया। एक बार उसे पत्थरवाह किया गया और मरा जानकर नगर के बाहर डाल दिया गया। पौलुस को स्वयं भी ज्ञात नहीं था, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, देह में या बिना देह में नहीं जानता, उसको देहहीन अनुभव हुआ मैं नहीं जानता, परंतु इतना जानता हूँ कि वो स्वर्ग में उठा लिया गया और थोड़ा समय उसने स्वर्ग में बिताया। उन्होंने सोचा कि उसका काम तमाम हो गया और वो मर गया। वे सब शोक कर रहे थे और पौलुस अचानक से हिला, खड़ा हुआ और कहा, चलो नगर में चलकर प्रचार करें। तुम्हें तो पत्थरवाह करा दिया गया था भाई। परंतु परमेश्वर का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए परमेश्वर ने उसे बचाया। जब तक हम अपनी गवाही पूरी न कर लें, परमेश्वर हमें बचाता है। जब ये दोनों अपनी गवाही पूरी कर चुकेंगे तो पशु जो अथाह कुंड से निकलेगा और उनके विरुद्ध युद्ध करेगा, उन पर जय पाकर उनकी हत्या करेगा। 8वीं आयत के अंदर, और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम वो अमोरा और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। 9वीं आयत में, और सब लोगों और कुलों भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोथें कब्र में रखने न देंगे। समस्त पृथ्वी उन्हें कैसे देख सकती है? आप कहेंगे ये बहुत सरल है कि वे टीवी पर उसे देख पाएंगे। ठीक है, 25 वर्ष पहले समस्त संसार उन्हें कैसे देख पाता? नहीं देख पाता। आप देखते हैं कि ये विशेष भविष्यवाणी वर्तमान समय से पहले पूरी नहीं हो सकती थी। अब तो कई उपग्रह भेजे जा चुके हैं और अब इसका सीधा प्रसारण यरूशलेम से पूरे विश्व में होगा। आप इसे अपने घर में बैठकर देख सकते हैं कि यरूशलेम में क्या हो रहा है। कई समाचार चैनल अपने संवाददाताओं को वहां भेजेंगे। मुझे निश्चय है कि वे पहले से वहां पहुंचकर इस अद्भुत घटना को बताएंगे, ये दो व्यक्ति जिनको मारा गया, जिनके पास आश्चर्यजनक शक्ति थी, जिन्होंने संसार के लिए इतनी समस्या बना दी थी, उन्होंने वर्षा रोक दी, उन्होंने आग गिराई और अनेक अनेक बातें की, और इस प्रकार वे एक पूरी कहानी बनाकर आपको आपके घर में टीवी के द्वारा सुनाएंगे। कैमरामैन वहां होंगे और इन लोगों की फिल्म लेंगे
और समस्त संसार उनकी लाशों को गली में पड़ा देखेगा। लोग उन विपत्तियों के कारण जिनको वे लाए उनसे इतने क्रोधित होंगे कि वे सम्मान पूर्वक उन्हें दफनाने भी नहीं देंगे। उनकी लाशें पड़ी रहेंगी, वे आएंगे, उन पर थूकेंगे, लात मारेंगे और अपमान करेंगे, और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्य वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। पार्थिव मंदिर या तंबू स्वर्ग वाले का नमूना है। वह संदूक जो मूसा ने बनवाया था पृथ्वी पर उसका नमूना था। आगे और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूडोल हुए और बड़े बड़े ओले पड़े। अब जब हम 12वें अध्याय में जाएंगे तब हम एक बार फिर उस मुख्य कहानी से अलग हो जाएंगे जिस पर हम प्रकोप के साथ प्यालों के साथ लौटेंगे जो ले जाएंगे। अभी हम और दृश्यों को विस्तृत रूप से देखेंगे।